ऐसे ही हमको भी आश्चर्य होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ऐसे ही हम भी देखते हैं। सब बेकार, हमारा कोई मतलब नहीं है, हम सीधे सिर्फ एक ही चीज में मेरी रुचि है कि ज्यादा से ज्यादा दलों की एकजुटता होगी तो बहुत बड़ी सफलता 2024 में मिलेगी। चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है, यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है। चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है, यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना, समझ गए ना। नमस्कार, नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या 2024 में उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से ताल ठोकेंगे? बिहार के बदले नीतीश कुमार क्या यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को यूपी में पटखनी दे देंगे? इस बात को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है। साथ ही चर्चा ये भी है कि नीतीश मोदी के जैसे ही अब बिहार नहीं बल्कि यूपी से चुनाव लड़ेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बदले उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, नीतीश कुमार भी वैसे ही बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को पटखनी देंगे। लेकिन सबके बीच सीएम नीतीश कुमार की पहली और बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नीतीश कुमार की पहली और बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। साथ ही सीएम नीतीश ने बीजेपी पर हमला बोला है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के साथ सीएम नीतीश देवीलाल चौधरी के जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने हरियाणा भी जा रहे हैं। सुनवाते हैं नीतीश कुमार क्या कुछ कर। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ऐसे ही हम भी देखते हैं, सब बेकार बात है, हमारा कोई मतलब नहीं है, हम सीधे सिर्फ एक ही चीज में मेरी रुचि है कि ज्यादा से ज्यादा दलों की एकजुटता होगी तो बहुत बड़ी सफलता 2024 में मिलेगी। इसके लिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं, अपने लिए हम जरा भी नहीं, हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है, यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना, समझ गए ना। एक बात हम हाथ जोड़ करके बता देते हैं कि भाई कौन क्या बोलता है, वो तो अपना लोकल आदमी भी कुछ बोलता है, तो जरा तो समझते कि समर्थक के तब भी बोलता है, लेकिन हमारा अपनी तरफ से अपने लिए कोई च्वाइस नहीं है, सारा च्वाइस है देश के लिए कि सब एकजुट होकर के लड़ेंगे अगर अधिक से अधिक लोग, तो फिर जो अभी जो हालत है इसके चलते जो देश का हाल होता चला जा रहा है, आप ही लोगों का जो हाल किए हुए है ना भाई, कहीं कुछ किए हुए सबको नियंत्रित न किए हुए, आप ही बोलिए कैसा नियंत्रित किए हुए सब, आप लोगों को नहीं मतलब पूरा का पूरा हर चीज पर, तो अब कोई काम तो होता नहीं, इसलिए अगर सबका विकास होना है पूरे देश का और सचमुच काम होना है, और दूसरी बात है कि एक ये भी न है उद्देश्य कायम रखने के लिए समाज में एक टकराव पैदा कर दो, समझ गए कि नहीं, हिंदू मुस्लिम का कुछ टकराव पैदा करके ऐसा विवाद करते रहो जिसमें कि हो जाए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, तो बहुत उस तरह की बात है, इसलिए हम लोग सबको एकजुट करना इसलिए चाहते हैं कि मिल करके देश के हित में लोग काम करें, बहुत आगे बढ़ेगा, यही बात है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी सिर्फ इच्छा है देश की। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार, जिस बात की चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है। नीतीश कुमार ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, वो देश भर की तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहते हैं। नीतीश कुमार की पहली और बड़ी प्रतिक्रिया फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा पर आई है। बहरहाल नीतीश कुमार ने तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने का फैसला लिया है, उन्होंने कहा है कि उनकी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।